इधर जाओ थोड़ा। देखो हमारे जो टॉपिक चल रहा था कैश बुक में, हमने लास्ट टाइम जो कैश बुक कवर करी थी वो कौन सी थी पता है? सिंगल कॉलम कैश बुक। नॉर्मली कैश बुक जो बनती है वो दो तरीके की बनती है। फर्स्ट हमारे पास होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर बिजनेस के पास केवल कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक का अकाउंट ही नहीं उसके पास, वो ना तो बैंक से कभी पेमेंट देता है और ना ही बैंक में कभी उसके पास कलेक्शन आता है, तो उस केस में वो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का एक कॉलम होता है। लेकिन कई बार क्या, ज्यादातर बिजनेस में आजकल कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होते, खाली हमारे पास बैंक के ट्रांजेक्शन भी बिजनेस में होते हैं। जैसे मैंने किसी को गुड सेल किया, अगले ने मुझे एक चेक दे दिया, बोला ये पकड़ो चेक 1 लाख का, 50,000 का, जितना भी हमने गुड सेल किया। उस चेक का मैं क्या करूंगा? आले में ले जा दूं, आरटी करूं उसकी, हम उसको बैंक में जमा कराएंगे, ठीक है? तो जब उसे मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इसी तरीके से मुझे किसी को पेमेंट देना था और मैंने चेक से पेमेंट दे दिया, यानी मैंने मशीन परचेज करी और मैंने उसको बोला भाई कैश नहीं है, पकड़ चेक, मेरे बैंक से पैसा निकाल लेना। तो इस केस में कैश कम होगी या बैंक बैलेंस कम होगा? मैं चेक दे रहा हूं तो बैंक बैलेंस कम होगा, समझ रहे हो? तो जब हमारे पास बिजनेस के अंदर कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन होते हैं तो उस केस में सिंगल कॉलम कैश बुक नहीं बनती, हमारे पास बनती है टू कॉलम कैश बुक। क्या बनती है? टू कॉलम कैश बुक। तो क्वेश्चन अगर आ जाए टू कॉलम कैश बुक कब बनाई जाती है? जब बिजनेस में कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन हो, तो वहां पर सिंगल कॉलम होता था कैश का, यहां पर दो कॉलम होंगे, एक कैश का होगा एक बैंक का होगा। चीज वही है, रिसिप्ट जब भी होगी तो हमेशा डेबिट में लिखना है, पैसा आ रहा है तो, और अगर पेमेंट करोगे तो क्रेडिट में लिखना है, ठीक है? अब इसका फॉर्मेट देखते हैं कि टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होता क्या है। सेम जो फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का होता था वो का वो फॉर्मेट यहां पर होने वाला है, सिर्फ एक नया कॉलम जुड़ जाएगा, ठीक है? ये मैं क्या बना रहा हूं, टू कॉलम कैश बुक, और इसका एक और नाम भी होता है, मैं इसको ना बैंक कॉलम कैश बुक भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बैंक कॉलम कैश बुक, दो नाम है, टू कॉलम बोलू या बैंक कॉलम बोलू। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर क्या, डेट, फिर नेक्स्ट जो कॉलम होता है हमारा होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विवरण, फिर होता है हमारे पास एलएफ का, एल लेफ, और अगले हमारे पास जो पहले कल हमने जो बनाया था वहां पर सिर्फ एक कॉलम बनाया था ये वाला, आज अपन इसके दो कॉलम बनाएंगे, यहां आएगा कैश और यहां आएगा बैंक, बस ये फर्क है। यानी कल वाले में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन हो रहे थे, अब कैश और बैंक के दोनों के ट्रांजेक्शन यहां पर होने वाले हैं। फिर नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, ठीक है? सेम टू सेम ये का ये वापस रिपीट होने वाला है। ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड और ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड, डेबिट एंड पूरा क्रेडिट। तो अगेन वापस डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक, समझ गए? अब जैसे हमने कैश बुक बनाई थी तो हमने क्या कहा था कि कैश बुक हमेशा कब बनती है पता है? मंथली बेसिस पर बनती है, हर महीने। तो हर महीने की स्टार्टिंग में मेरे पास में कुछ ना कुछ कैश अवेलेबल होगा, तो हमने कैश को क्या लिखा था, कैश का बैलेंस लिखा था वहां पर, याद है? कुछ पहली तारीख को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे टू बैलेंस बीडी। ये फर्स्ट डे को होता था, अगर सपोज कीजिए मैं जून की बना रहा हूं तो फर्स्ट जून को मेरे पास कितनी कैश अवेलेबल है वो यहां लिखूंगा। तो अभी तक हमने कैश के बारे में पढ़ा, अब अपन बैंक के बारे में भी देखेंगे कि फर्स्ट जून को मेरे पास कैश कितनी है वो कैश के कॉलम में लिखूंगा और मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो बैंक के कॉलम में लिखूंगा। कब? 1 जून को, ठीक है? 1 जून को जो हमारे पास कैश है कैश में, बैंक है वो बैंक में। इसके बाद जो भी मेरी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट आएगी डेबिट साइड में, यानी पैसा आ रहा है कहां लिखूंगा, डेबिट में। पेमेंट करने कहां लिखूंगा, क्रेडिट में। अब पेमेंट जो मैं कर रहा हूं कैश में भी कर सकता हूं बैंक में भी कर सकता हूं। कैश में करूंगा तो कैश के कॉलम में आएगा, बैंक से पेमेंट करूंगा तो बैंक के कॉलम में आएगा।
इधर रिसिप्ट कैश में हो रही है तो कैश के कॉलम आएगी, बैंक से हो रही है तो बैंक के कॉलम में आएगी। जैसे मैंने कहा कमीशन मिला, तो कमीशन मिला हमें रिसीव हो रहा है, रिसिप्ट होने पर कहां लिखते हैं टू में, डेबिट साइड में, तो क्या लिखूंगा मैं टू कमीशन। एंड ये चीज क्लियर कर लेना, यहां अभी भी रिसिप्ट ही आने वाली है, पैसा आया तो डेबिट में, यहां पर क्या आते हैं पेमेंट, पैसा गया तो क्रेडिट में। अब मेरे पास कमीशन आया, क्या लिखूंगा टू कमीशन। सिर्फ इतना बोला कमीशन रिसीव तो कैश में जाने वाला है, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कमीशन रिसीव बाय चेक तो बैंक में जाएगा, यानी इस बार कैश थोड़ी ना बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो कहां जाएगा बैंक के कॉलम। समझ में आ रहा है, मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट मिला, मैंने किसी को लोन दे रखा है, ब्याज पर पैसे दे रखे हैं, उसके ऊपर मुझे ब्याज मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो कहां लिखूंगा पैसा मिल रहा है टू में आएगा, क्या लिखूंगा टू इंटरेस्ट। अब अगर उसने कैश दी तो कैश के कॉलम में, अगर उसने मुझे चेक दिया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा बैंक के कॉलम में। क्लियर हुआ पॉइंट, चीज वही है, पैसा आएगा तो डेबिट में आने वाला है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में आने वाला है। अच्छा मैंने रेंट पे किया तो पैसा आए या गए, गए, तो कहां लिखूंगा बाय चेक, क्या लिखूंगा बाय रेंट। अब कैश में रेंट दिया तो कैश के कॉलम में, मैंने चेक से रेंट पे किया बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मैंने सैलरी पे करी, अयान सैलरी पे करी, पैसे आए या गए, तू में या भाई में, बाय में, क्या लिखूंगा बाय। अब सैलरी अगर कैश में दे रहे हो तो कैश, सैलरी अगर आप चेक से पे कर रहे हो, आया समझ में, वही लॉजिक जो कैश बुक का नॉर्मल होता है, सिंपल सा लॉजिक है, सबसे इजी कैश बुक ये है मेरे हिसाब से इलेवेंथ क्लास में, कुछ करना ही नहीं है, पैसा आया तो डेबिट में लिखो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो, ठीक है। ये सब होने के बाद, ये तो मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती है, इसमें सोचना यही है, पैसा आ रहा है डेबिट में, पैसा जा रहा है क्रेडिट में, ये सब होने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या बचा वो निकालना पड़ता है। साल के स्टार्टिंग में ये बैलेंस था, फिर इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, और क्या बचा वो यहां लिखना होता है बाय बैलेंस सीडी, दोनों में बैलेंस तो दोनों का निकालना पड़ेगा। सपोज करो अब इसको भी एक, यस अलग अलग कैश और बैंक, मेरे पास 1 जून को कैश पड़ी थी बिजनेस में, हमारे गुल्लक में पैसे पड़े थे 50,000, और मेरे बैंक अकाउंट में, हमारे जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट की बात नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखूं हम बिजनेस के बैंक अकाउंट की बात करते हैं, और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट होता है उसको बोलते हैं अपन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सुना आपने कभी, वो बिजनेस का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट जो होता है उसको हम बोलते हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट हमारा पर्सनल होता है, और करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस का होता है, तो मैं करंट अकाउंट की बात करूंगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैश पड़ी थी, और मेरे पास बैंक में भी अमाउंट पड़ा था, सपोज कीजिए 1,00,000 रुपीज। अब साल के दौरान क्या होगा, या तो पैसे आएंगे या जाएंगे। मैंने कहा सपोज कीजिए इस पूरे मंथ में मेरे पास टोटल पैसा आया कैश में 1,00,000 रुपए, और मेरे बैंक में पैसे आए टोटल 2,50,000 रुपए आए, ये तो मेरे पास पैसा आया। तो बताओ मेरे पास, अगर मैं पूछूं बताओ बैलेंस क्या बचा, क्या आएगा 1,50,000, और यहां आएंगे 3,50,000। फिर मैंने साल के दौरान पेमेंट भी तो किया होगा, यानी ये मेरा 50,000 ओपनिंग में बैलेंस था, फिर जो पैसा आया मैंने जोड़ लिया। अब मैंने यहां पर पेमेंट भी किए, पेमेंट करने का मतलब है मेरे यहां से पैसे गए, पैसे क्यों गए, रेंट पे किया, सैलरी पे करी, एसेट खरीदी होगी, बिजली का बिल चुकाया होगा, इन सब में हमारे पास पैसे गए। मैंने कहा सपोज कीजिए 70,000 चले गए, वो पेमेंट जो है वो इधर आएगा, तो अब मेरे पास, अच्छा चेक से भी मैंने कुछ पेमेंट किए, मैंने कहा 1,50,000 मैंने चेक से पे कर दिए, अब क्या बचा 80,000, तो कैश बची, और 2,00,000 हमारे पास क्या बचा, बैंक का बैलेंस बचा। ये जो होता है, ये होता है हमारा बैलेंस, बैलेंस सीडी, एंड में क्या बचा। अभी 80 कैसे आएगा, इसको इधर पुट करता हूं वैल्यू को। मैंने कहा मेरे पास ओपनिंग में 50,000 थे कैश में, मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा था कितना 1,00,000 रुपीज, फिर इन सबसे मेरे पास जो पैसा आया, टोटल बता रहा हूं सबकी टोटल, टोटल मेरे पास 1,00,000 रुपए आए कैश, और इधर मेरे पास टोटल आई 2,50,000 रुपए, तो बताओ बैलेंस कितना हो गया। मैंने कहा 150 और 350, तो मैंने यही तो लिखा यहां 150 और 350। फिर मैंने कहा मैंने कुछ पेमेंट कर दिए,
पेमेंट मैंने कुल मिलाकर सारे पेमेंट मैंने कर दिए 70,000 कर दिए, और बैंक से मैंने पेमेंट कर दिए टोटल 1,50,000। ठीक है, टोटल 150 था, 70 पेमेंट कर दिया तो क्या बचा होगा, 80,000 ही तो बचे होंगे, तो वो 80,000 ये रहा। ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है। आपके पास कितने पैसे पड़े थे स्टार्टिंग में? रुको रुको, कैश कितनी पड़ी थी आपके पास? 50,000। कब? 1 जून को। फिर पूरे महीने में आपके पास 1,00,000 और आए, तो पैसे कितने हो गए आपके पास? और आपने पेमेंट भी तो किया, पैसे चुकाए भी तो होंगे, कितने चुकाए आपने? तो क्या बचा? 80,000। बस यही चीज मैंने अकाउंट में समझाई आपको। मैंने कहा इतना आपके पास था, फिर इतने और आ गए, टोटल कितने हो गए? 1,50,000। कहाँ खोई हो मैडम? यही हो, 1,50,000, 1,50,000। अब ये बैलेंस हम कैसे निकालते पता है? जिसकी टोटल ज्यादा होती है दोनों तब लिख दो, उसमें से जो भी ऊपर है वो लेस कर दो। 1,50,000 में से 70,000 में लेस कर देता हूं, क्या बचते हैं? 80,000। ये कहिए मुझे यहां करना है, टोटल मेरे पास 3,50,000 है, ये 350 दोनों तरफ लिख दूंगा, इसमें से ऊपर जो भी है सब माइनस करो, टोटल कितना है? 1,50,000। तो माइनस किया तो आ गया बैलेंस, तो यही तो बैलेंस आया। यस, देखो कैश में तो नहीं हो सकता। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सर अगर कभी इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो गए तो हमारा बैलेंस माइनस में आ जाएगा, कैश में तो नहीं हो सकता। बताओ क्यों? कैश जितनी आएगी मैं मैक्सिमम उतना ही पे कर सकता हूं, लेकिन बैंक जो है ना वो कई बार आपको एक फैसिलिटी देती है। जो पॉइंट सुना बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनना इसको, ठीक है? आगे आने वाला है पॉइंट। बैंक आपको कई बार फैसिलिटी देती है कि जितना पैसा आपका बैंक में जमा है ना आप उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ये फैसिलिटी किसको मिलती है? जिनके बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं, या रोज जिनके ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लाखों में ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने जैसों को तो नहीं देते, पता है इनको दिया नहीं लेके भाग जाएगा। तो हमारे अगर सपोज कीजिए बिजनेस में डेली के 5 से 7 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है, और सडनली मैंने किसी को एक चेक दे दिया जिसमें मेरे अकाउंट में तो 5 लाख ही पड़े हैं, मैंने किसी को चेक दे दिया 6 लाख का, अब वो चला गया मेरे बैंक में, लाओ भाई पेमेंट दो, फिर पता चला हमारे तो बैंक अकाउंट में पैसे ही 5 लाख है, तो इसको अपन बोलते चेक बाउंस हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? बाउंस। चेक बाउंस का मतलब क्या है? मैंने किसी को चेक दिया, मेरे बैंक में इतना पैसा ही नहीं है, तो क्या मेरा बैंक उसको पेमेंट कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर मैंने एक फैसिलिटी ले रखी है बैंक से कि भाई कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जो कभी कभार होता है, तो बैंक को मैं बोलता हूँ आप एक बार पैसे दे देना, और हाथों हाथ मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको जो भी आपका इंटरेस्ट होता है 2 या 3 दिन में जो पैसा बनेगा वो जमा करा दूंगा, जो भी आपका ब्याज होता है इसके लिए, जो भी आपके सर्विस चार्ज होते हैं वो आप मुझसे काट लेना। तो ये जो फैसिलिटी होती है बैंक की, जो बैंक ने आपको जमा धनराशि से ज्यादा पैसा निकालने की एक फैसिलिटी दे रखी है, मेरा पैसा जमा 5 लाख ही है लेकिन मैंने कितने निकलवा लिए? 6 लाख। इट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक में जितना पैसा जमा उससे मैं ज्यादा निकाल सकता हूं, इसलिए बैंक में पेमेंट ज्यादा हो सकता है, रिसिप्ट कम है फिर भी पेमेंट ज्यादा अगर हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। और उस टाइम मेरा बैलेंस इधर नहीं आएगा, फिर पता किधर आएगा? इधर आएगा, भाई पेमेंट ज्यादा होंगे रिसिप्ट कम होगी तो बैलेंस इधर आएगा। क्लियर? ये तो मैंने एक लॉजिक समझाया, अब इसके ऊपर अपन प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं कुछ। ठीक है, आपको इसका सिर्फ फॉर्मेट उतारना है, अंदर की चीजें मैंने एग्जाम्पल में लिखी उतारनी नहीं है, जो बच्चे को शायद छाप के बैठ गए होंगे, नहीं उतारा वेल, फॉर्मेट ही उतारना अपने को, ये अमाउंट नहीं लिखना, फटाफट ये फॉर्मेट उतार लो। बैलेंस तो लिखना था अपने को, ये ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आएगा बाय बैलेंस सीडी, जो होगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर, यहाँ आ जाएंगे हमारी सारी रिसिप्ट, जो भी पैसा आएगा वो इधर लिखना है, यहाँ आ जाएंगे बाय पेमेंट। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी इसमें 4 से 5 पॉइंट नए नए आएंगे अभी आपके पास। ठीक है, हाँ जल्दी से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पेज नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? 153। देखो 153 पे आओ, इजी क्वेश्चन है ये तो, आगे थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट भी अब आने वाले हैं।
तो देखो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बैंक कॉलम कैश बुक। बैंक कॉलम का मतलब क्या हो गया, टू कॉलम कैश बुक, यही होता। सिंगल कॉलम अगर बोलता है तो सिर्फ वो अमाउंट के कॉलम की बात कर रहा है, लेकिन अगर बोल रहा है टू कॉलम कैश बुक, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, बैंक कॉलम। सबसे पहले बनाना है डेट, बनाते रहो साथ में फॉर्मेट भी, पर्टिकुलर बैलेंस कैश, ठीक है, फिर वापस डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट नहीं कैश और बैंक, कैश बैंक, पैसे आएंगे तो डेबिट में, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट में, डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश एंड बैंक, बैंक कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक। सबसे पहले क्या करना है, ढूंढने बैलेंस। अच्छा, अगर बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ है तो क्या बैलेंस अवेलेबल होंगे क्या? नहीं, नहीं होंगे। देखो यस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी हमने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया, क्लियर। लिखना मत अभी, पहले फॉर्मेट बना लो एक बार। तो एक तारीख को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कब? फर्स्ट दिसंबर 2016। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बताओ बिजनेस में कैश आती है जाती है? आती है। कैश हमारे पास में आ रही है। हम कौन है? हम बिजनेस हैं। ओनर ने हमें पैसा दिया, मेरे पास कैश आई, कैश आई यानी रिसिप्ट हुई, रिसिप्ट हुई यानी कहाँ लिखूंगा? तो इस बार मेरे पास टू बैलेंस बीडी, तो देखो याद रखने के लिए हमेशा लिखना ही है। अब बैलेंस तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमने तो बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कैपिटल। कैश आई, कैश आने का रीजन क्या है? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट जब भी किया जाता है और जो बिजनेस का ओनर पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाएगा स्टार्ट करते हो क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैश आ रही है जा रही है, हम अपने आप को बिजनेस मानते चलते हैं। ओनर ने हमें पैसा दिया, कैश आई तो कहाँ आएगा? रिसिप्ट में। कितने रुपए आए? 80,000। कहाँ लिखूंगा पता? कैश में। और अब जो एंट्री है ना, उसके लिए पहले थोड़ा सा लॉजिक समझना, पेन रख दो नीचे, अब बहुत ही मजेदार पॉइंट आने वाला है। एक ट्रांजेक्शन में बताता हूं, पता है वास्तव में टू कॉलम कैश बुक है क्या? इसमें दो अकाउंट है। कितने अकाउंट है? दो। इसमें कैश का भी अकाउंट है और इसमें बैंक का भी अकाउंट है, समझ रहे हो? यहां पर सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, यहां पर हमने दो अकाउंट एक साथ खोल रखे हैं। मैंने कैश का भी अकाउंट खोल रखा है और मैंने बैंक का भी अकाउंट खोल रखा है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन आता है जहां पर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं और बैंक से पैसा निकालते हैं, डिपोजिटेड इंटू बैंक। बस अयान मुंह बंद है ना, डिपोजिटेड इंटू बैंक। बैकग्राउंड साउंड नहीं देना, आपको समझना है, क्लासेज में हम समझने के लिए आते हैं, है ना, टाइम खराब करने के लिए नहीं, ना तो अपना ना दूसरों का। डिपोजिटेड इंटू बैंक का मतलब क्या है? मैंने बैंक में पैसे जमा कराए, बताओ क्या होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बैंक बैलेंस बढ़ने पर हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो मैं क्या एंट्री करूंगा इसकी? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे यहां से क्या जा रही है? कैश टू कैश अकाउंट। अब मुझे बताओ यहां कितने अकाउंट अफेक्ट हुए? दो। एक तो बैंक का और एक कैश का। अगर मैं यहां पर दो अकाउंट बनाऊं, कौन सा अकाउंट बनाऊं? एक तो मैं बना रहा हूं बैंक का अकाउंट और दूसरा मैं कौन सा बनाऊंगा? कैश का अकाउंट। फिर कह रहा हूं लॉजिक को अच्छे से समझना, नहीं तो बाउंस होने वाला है पॉइंट। और अगर ये बाउंस हो गया तो टू कॉलम कैश बुक गई आपके हाथ से, ठीक है। मैंने बैंक में पैसे जमा कराए तो मैंने दो अकाउंट बनाए, एक मैंने बनाया बैंक का अकाउंट, एक मैंने बनाया कैश का अकाउंट। मैं बिना फॉर्मेट के करा रहा हूं, ठीक है, पूरा नहीं बना रहा हूं, ये लेजर का फॉर्मेट है। ये बना दिया मैंने बैंक का अकाउंट, ये बना दिया मैंने कैश का अकाउंट। बताओ मैं बैंक के अकाउंट में क्या लिखूंगा? जब मैं बैंक का अकाउंट बनाऊंगा क्या लिखूंगा? टू कैश। लेजर बनाई थी कि नहीं बनाई थी? याद है, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? टू कैश। सपोज कीजिए मैंने 10,000 जमा कराए, 10,000, तो यहां लिख दूंगा 10,000।
अच्छा अब मैं अगर कैश के अकाउंट में जाऊंगा तो कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, बाय बैंक, ठीक है, बाय बैंक 10,000। ये मैंने दो अकाउंट बनाए तो दोनों में क्या मैंने बैंक में कैश लिखा और कैश में बैंक लिखा? यस नहीं क्या? यस इज कैश में बैंक और बैंक में कैश। जब भी मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूं और निकालता हूं, क्या बोला मैंने, जब भी मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूं या निकालता हूं तो उस टाइम हमारा कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्ट होते हैं। सिर्फ दो ही कैश में ऐसा होगा, जब भी बैंक में पैसे जमा कराऊंगा और निकालूंगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों अकाउंट को मिक्स कर दूं, क्या कर दूं, मिक्स, तो आपको नहीं लगता एक बार मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा और एक बार मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा? अगर इन दोनों अकाउंट को मैं क्या कर दूं, मिक्स कर दूं, यानी मैं लिख दूं बैंक एंड कैश अकाउंट, तो मैं बैंक में लिखूंगा टू कैश और कैश में लिखूंगा बाय बैंक। क्या बोला मैंने लास्ट, टू कैश और कैश में लिखूंगा बाय बैंक। इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी मैं बैंक में पैसे जमा कराऊंगा और निकालूंगा तो इस केस में टू कॉलम कैश बुक बनाने पर दोनों साइड एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने कंबाइंड अकाउंट बना रखे, ध्यान से देखिए, बना रखे। तो मैं अगर बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा टू कैश, क्या लिखूंगा टू कैश, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, कैश में नहीं बैंक में, क्या बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। समझ में आया? बैंक में पैसे जमा कराने पर क्या बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। दो तरीके बताऊंगा, या तो पहला ये तरीका नहीं तो दूसरा तरीका रट्टा मार तरीका है, रट्टा मारना पड़ जाएगा अपने को, ठीक है। पहले इसको समझो, मैंने कहा बैंक में मैंने पैसे जमा कराए तो मैं क्या लिखूंगा टू कैश और अमाउंट जाएगा बैंक में, ठीक है। और इस साइड भी वो एंट्री होगी, इस साइड से कैश भी तो कम होगी या नहीं होगी, इस बार अमाउंट जाएगा कैश, क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, डेबिट करो, क्या कम हुआ, कैश कम हुई, क्रेडिट करो, ठीक है। बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक में लिखा, कैश कम हुई, कैश में लिखा, बढ़ा बैंक को डेबिट किया, कैश कम हुई उसको क्रेडिट किया, ठीक है। इसकी अगर अपोजिट एंट्री करूं तो बैंक से पैसे निकाले तो इस बार बैंक में आएगा बाई कैश और कैश में आएगा टू बैंक, उल्टी एंट्री हो रही है, ठीक है। ये पहला तरीका था सोचने वाला। अब दूसरा तरीका, आपको डायरेक्टली कैसे दिमाग लगाना है, आपको दिमाग ये लगाना है, अच्छा ये दोनों तरफ हो रही है ना एंट्री, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा मतलब समझते हो, जो दोनों साइड में होता है, विपरीत, रिवर्स, उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराओगे या बैंक से पैसा निकालोगे तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और ये दोनों तरफ की जाएगी, इधर भी और इधर भी। और उसमें मुझे एलएफ के कॉलम में एक वर्ड लिखना पड़ेगा, सी, सी मींस कॉन्ट्रा। कब आएगा ये वर्ड, जब दो ही ट्रांजेक्शन हो। दो ट्रांजेक्शन कौन से, या तो बैंक में पैसे जमा कराऊंगा या बैंक से पैसे निकालूंगा, हाँ दोनों साइड सी, इधर भी सी और इधर भी सी। अब डायरेक्टली आपको क्या सोचना है, बैंक में पैसे जमा कराने पर क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, सीधा बैंक के कॉलम में लिख दो, यहाँ एंट्री वेंट्री भूल जाओ, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक को डेबिट करना है ना, करो डेबिट। अगला ट्रांजेक्शन देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000 है, बैंक में पैसे जमा कराए, क्या बढ़ा, बैंक बैलेंस बढ़ा, सीधा लिख दो बैंक में 50,000, ठीक है। क्या कम हुआ, कैश कम हो गई, भाई बैंक में पैसे जमा कराऊंगा तो मेरे यहां से कैश जाएगी ना, कैश कम होने पर क्रेडिट में, तो क्या लिखूंगा 50,000। ये तो चीज सीधा आपने सोच ली, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक को बढ़ाओ, कैश कम हुई, वही चीज समझा रहा हूं। जिसमें आपने लिखा है उसमें खुद का नाम कभी थोड़ी आता है, क्या मैं बैंक में कभी बैंक का नाम लिखता हूँ क्या, कभी नहीं लिखता। यानी बैंक में अगर मैंने लिखा तो इधर लिखना है टू कैश, और अगर इधर मैंने कैश में लिखा तो यहाँ क्या लिखना है, बाय बैंक। ये तो समझ में आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक में लिखो, लेकिन यहाँ फिर क्या आ जाएगा, टू कैश। कैश कम हुई, कैश में लिखो, लेकिन यहाँ फिर क्या आ जाएगा, बाय बैंक। और दोनों होगी सी, कॉन्ट्रा एंट्री। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा ही चलेगा आपका, ठीक है। दो दिन हुआ है अभी हमें क्लासेस में, चलो
फर्स्ट दिसंबर को हमने कैपिटल लगाई एंट्री कर दी और 4 दिसंबर को हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हमने एंट्री कर दी 4 दिसंबर 2016 को। वापस बताओ, पैसे जब बैंक में जमा कराऊंगा क्या बढ़ेगा? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा तो क्या लिखूंगा? टू कैश। अच्छा, एक चीज समझ में आ गई तो दूसरी साइड उल्टा करना उसका। उल्टा मतलब क्या है? इधर टू कैश है, इधर बाई बैंक, इधर बैंक में लिखा, इधर कैश में। ये तो समझ ही सकते हो, ठीक है? नहीं आया अगर इतना पूरा समझ में तो सीधा ये देखो क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाओ, उसमें खुद का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा? बैंक में लिखा तो यहाँ आएगा टू कैश। जस्ट अपोजिट साइड उल्टा कर दो, टू कैश है बाई बैंक, यहाँ बैंक में लिखा यहाँ कैश में। सिर्फ दो ही सिचुएशन में ऐसा करना है, बैंक में या तो पैसे जमा कराऊंगा या बैंक से पैसे निकालूंगा, ठीक है? अदरवाइज कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। कॉन्ट्रा क्यों हो रही? क्योंकि यहां दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, कैश भी हो रहा है और बैंक भी हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द कॉन्ट्रा एंट्री, किसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं? जब हमारे दोनों साइड अफेक्ट होती है, जब कैश और बैंक अकाउंट दोनों अफेक्ट होते हैं, इट इज नोन एज कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक था, ठीक है? रिकॉर्डिंग इसलिए करिए ताकि घर जाके बार वापस चेक कर लो। 10 तारीख को क्या हुआ? रिसीव कैश फ्रॉम राहुल, राहुल से कैश मिली, पैसा आया या गया? आया। कहां लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में। कैश जब भी आएगी तो डेबिट में, चाहे कैश आया बैंक बैलेंस बढ़े। क्या रीजन है पैसा आने का? कैश लिख दूं यहां? कृतिका टू राहुल। रीजन क्या है? राहुल, बस राहुल से पैसा मिला। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं तो राहुल से मुझे कमीशन के लिए मिले तो राहुल का नाम आएगा क्या? तो कमीशन आएगा, यानी पहले सोर्स ढूंढना है। सोर्स लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो फिर पार्टी का नाम तो लिखना ही है। कितने रुपए आए? 1000। कैश आइए तो कैश में लिखूंगा 1000, ठीक है? डेट वहां नहीं जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री थोड़ी है मैडम, सिर्फ एक साइड एंट्री होगी। तारीख क्या है? 10 दिसंबर 16। अगली एंट्री, बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा हमने, पैसा आया या गया? कहां लिखूं, डेबिट में या क्रेडिट में? बाई में। क्या कारण है पैसे जाने का? खरीदा मतलब परचेज का अकाउंट खोलना है। क्या खरीदा? गुड्स। जब भी परचेज करते हैं तो परचेज का अकाउंट खुलता है, अकाउंट जोड़ना, ध्यान रखना। मेरे ना दिमाग से निकल जाता है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखता हूं, आपको हर जगह अकाउंट लिखना। तारीख थी हमारे पास 15 दिसंबर 16। कितने का गुड्स परचेज किया? 8000। जब तक चेक नहीं बोले कैश में ट्रांजेक्शन होगा, बैंक में नहीं लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बोट गुड्स बाई चेक, इस बार भी क्या हुआ? गुड्स खरीदा है तो पैसा तो गया, अब चाहे कैश में जाए या बैंक से जाए, पैसा आया गया गुड्स परचेज करेंगे तो बाय में आएगा। क्या लिखूं बाय में? उसका रीजन, रीजन क्या था? बाय परचेज। चेक दिया मैंने अगले को, तो चेक दिया तो कैश कम होगी या बैंक बैलेंस कम होगा? तो बैंक में लिखना है कितने? 10000। बुक है आपके पास? थोड़ा उससे शेयर करो और पढ़ो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये कब की थी एंट्री? थी 22 को, 22 दिसंबर 16। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू श्याम बाई कैश, हमने कैश पे करी श्याम को, पैसे आए या गए? गए। तू में या बाई में? बाई में। रीजन क्या है? बाय श्याम, पैसा गया। अच्छा, कैश गई कि बैंक बैलेंस कम होगा? कैश। जब कुछ भी बोले तो बैंक में नहीं डालना है, कैश ही मानना अपने को, कैश दी हमने। अच्छा, यहां तो बोला भी कैश, 20000, ठीक है? डेट क्या थी ये? 25। नेक्स्ट, रेंट पेड बाई चेक, पैसे आया गए? अच्छा, ड्रॉइंग वाला रह गया क्या? ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? दो ही एंट्री कॉन्ट्रा होती है, बैंक में पैसे जमा कराने पर और बैंक से पैसे निकालने पर। निकाल लेना, बताओ क्या बढ़ा? क्या बढ़ा? कम होने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आई मेरे पास? पैसे आए, कैश आई तो कैश बढ़ी ना, कैश में लिखो। ये तो ट्रिक थी कॉन्ट्रा एंट्री की, बहुत इजी ट्रिक है। क्या बढ़ रहा है बस वहां लिख दो,
कैश आई हमारे पास कितनी 2000, तो मैंने कैश बढ़ा दी। अब बताओ कैश मैं क्या कैश लिखूंगा? टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। और अगर इधर टू बैंक आया तो इधर भी तो एंट्री होगी, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? पहले तो ये चीज क्लियर करो कि कॉन्ट्रा है या नहीं है। कॉन्ट्रा है, दो ही ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा होते हैं, बैंक में कैश डिपॉजिट कराने पर या बैंक से कैश निकालने पर। बैंक से कैश निकाल रहा हूं, कैश आई टू बैंक, यहां क्या आएगा? जस्ट रिवर्स, यहां टू बैंक है, यहां बाय कैश, और अमाउंट यहां कैश में, तो यहां भाई बैंक बैलेंस कम हो गया ना। देखो ध्यान से, बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बढ़ गई। अब ये है कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए लिखेंगे सी सी। कौन कौन सी होगी कॉन्ट्रा एंट्री? कौन कौन सी, मतलब कौन से सिचुएशन में आता है? साथ आते हो, और ऐसा कब होगा जब सिर्फ बंद हो गया? कोई नहीं, 2% में तो अपन क्वेश्चन खत्म करवा देंगे फटाफट। देखो भाई बैटरी डाउन होने वाली है। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पे किया, पैसे आए या गए? बाय, पैसे गए बाय रेंट। और क्या गया, कैश या बैंक? बैंक बैलेंस कम हुआ ना, चेक से पे किया। कैश में देता तो कैश में आएगा, बैंक से पे किया तो बैंक में आएगा 1000। और अब हम फटाफट निकाल लेते इसका बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकालना है, बैलेंस कैसे निकालते हैं भाई? यहां का प्लस, पहले इसकी टोटल करो, 80,000, 1,000, 2,000, 83,000। इसमें से हम ये ऊपर जो भी माइनस करेंगे तो जो आएगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। 83 माइनस 50 माइनस 8 माइनस 20, बच गए 5,000। ये थी हमारी 31 तारीख को एंट्री, ठीक है, 31 दिसंबर 16। और रेंट पे कब किया हमने, ये भी 31 को किया, 31 दिसंबर 16। अब कैश में बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस 50,000 था टोटल हमारे पास, 50 में से हमने पेमेंट कर दिए, 50,000 में से हमने कितने पे कर दिए, देखो 13,000 पे कर दिए, तो जो बच गया वो बैलेंस है 37,000। छाप दो फटाफट।